TVS मीडिया पूरे दिन भर के खबर के साथ मैं मौसमी दत्ता चंदन दे के साथ आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। नई उड़ान सामाजिक संस्था के द्वारा पुलवामा में शहीद हुए देश के जवानों की याद में एक दिवसीय रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारम्भ दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मजदूर नेता राकेश्वर पांडे उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी के दिन देश के जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में नई उड़ान संस्था रक्तदान शिविर लगाकर जवानों श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके अच्छे कामों के लिए संस्था के सभी लोगों को बधाई देते हैं। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पुलवामा में शहीदों के याद में नमन करते हुए आज नई उड़ान संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया है, जो संस्था के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहे। सनातन समिति के संस्थापक चिंटू सिंह, भाजपा के मनोज सिंह, सोनू ठाकुर, मोदी विचार मंच के संगठन मंत्री सुजीत वर्मा उपस्थित। नए उड़ान के अध्यक्ष शीतल कुमार ने कहा कि हमारा इस रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन शाम 4 बजे तक 48 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस शिविर को सफल बनाने में संस्था के सचिव संतोष शर्मा, निशा सिंह, बलजीत सिंह, चंदन दे, अभिषेक, सुबोध शरण, बबलू आदि ने अहम भूमिका निभाई। आज पुलवामा में जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया देश की रक्षा के लिए, उनको उनकी शहादत को सलाम करने का भी दिन है। मैं उनको नमन करता हूँ। इस अवसर पर नई उड़ान संस्था के द्वारा जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, पीयू जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब जानते हैं कि भले विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी रक्त जो है वो कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए रक्तदान का ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को रक्त आदान प्रदान कर सकते हैं। और जमशेदपुर पूरे देश में एक नेतृत्वकर्ता का भूमिका निभाता है रक्तदान के मामले में, और इसी कड़ी में एक और रक्तदान शिविर का बेहतरीन आयोजन हुआ है। और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से मेरे युवा साथियों को कि इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। प्रत्येक 3 महीने में अगर आप स्वस्थ हैं और आप रक्त दे सकते हैं तो रक्तदान जरूर करें। धन्यवाद। इतना लेट से आने के लिए थैंक यू बोल रही है, सबको बोले थैंक यू। सिर्फ 2 लेडीज देखेगा। ऐसे ही हर रोज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।